कहाँ पहुँचाना है इसकी भी बात। एक सर, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग तो नहीं है, रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हो सर, उसकी क्या वजह है बताइए सर, उसकी क्या वजह है? देखिए, जो राजस्थान सरकार है इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ना तो 233 की नौकरियों पर कोई क्लैरिटी आई है, जबकि वो लीगली वैलिड है। 6 महीने से बच्चे धर धर भटक रहे हैं। हमारे केसेस जो जिनका निस्तारण होना था, 4 साल से उनके केसेस का निस्तारण नहीं हुआ। हमारी देवनारायण योजना में 13,000 छात्रवृत्तियां पिछले 3 साल से पेंडिंग है। हमारे देवनारायण योजना के, गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज नहीं है। हमारी बाकी जो चीजें हैं वो हो नहीं रही है, बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है। हमारा सीधा सा कहना है, 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया। अब ऐसा है, या तो हमारी चीजें करके दे दो सारी की सारी क्लोज करके। मेरे ख्याल से 1 महीने बाद आ रहे हैं राहुल जी, या 20 दिन बाद, 20 दिन में आप हमारा करके दे दो 3 दिसंबर का। अन्यथा हम राहुल गांधी जी को, सम्मान्य राहुल गांधी जी को राजस्थान में गुजरने नहीं देंगे। ये पूरा गुर्जर समाज एकजुट है इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, हमारे संघर्ष समिति के समझौते के साथ, जो कर्नल बैंसला जी ने साइन करे हुए, जिसको आप उसका क्रियान्वयन नहीं करोगे अक्षर से।